जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे अध्याय 8, आप सभी का नाम है राशियों की तुलना। इसके अंतर्गत हम सभी करेंगे प्रश्नावली 8.1। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, बोलते हैं ना आपके बुक में सबसे सिंपल प्रश्नावली यही दे रखा है। एकदम प्यार से समझाऊंगा, एकदम एक एक चीज़ को नोट करना है। प्रश्नावली 8.1 में देखिए बेसिकली हम लोग को करना क्या है, हमें राशियों की तुलना करनी है। जैसे आप सभी को बोलूं कि मेरे पास है 5 आम और आप सभी के पास है 10 आम, तो बताइए आपके पास मेरे से कितना अधिक आम है? 5 आम अधिक है। आपने क्या किया? तुलना किया, यानी आपके पास है 10 आम, 10 आम में से 5 आम आपने घटा दिया तो आपके पास 5 आम बच गया। इसी प्रकार हम सभी इसमें क्या करेंगे? तुलना करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न दे रखा है, देखिए पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत ए दे रखा है, पहला प्रश्न का ए है, ठीक है, दे रखा है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमें अनुपात बतलाना है। तो पहले देखिए, पहले लिखना है साइकिल की गति, यहाँ पे हमें किसका अनुपात बताना है? साइकिल की गति का स्कूटर की गति से। तो ऐसे लिख दीजिए साइकिल की गति, और हमें बताना है साइकिल की गति का स्कूटर की गति से क्या अनुपात होगा। तो स्कूटर की गति, अब देखिए साइकिल की गति दे रखा है हमें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ लिख देंगे 15। स्कूटर की गति दे रखी है हमें कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसे लिख देंगे। अब अनुपात जो लिखा जाता है वो सबसे छोटा रूप होता है, अनुपात जो होता है बच्चा वो सबसे छोटा रूप में लिखा जाता है। यानी कि क्या आप लोग 15 और 30 को और छोटा कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी एक के पहाड़े से कट रही है। काट लेते हैं, 15 का पहाड़े से कट रही है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब आया 1:2, क्या आप लोग 1:2 को और छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों किसी एक के पहाड़े से नहीं कटेगी। तो इसका अनुपात होगा यहाँ से 1:2, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए इसके बी पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। इसका बी दे रखा है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखिए आप सभी को पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लें, पहले तो हम लोग जो किलोमीटर दे रखा है उसे हम लोग बदलेंगे मीटर में। तो यहाँ कितना मीटर दे रखा है, कितना किलोमीटर दे रखा है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का अर्थ क्या हुआ? 10 लिखिए और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो 10 लिखिए उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, तो 10,000 मीटर हो गए, ठीक है। अब हमें तुलना करनी है, लिखेंगे तुलना, या फिर आप लोग लिख सकते हो अनुपात। अनुपात का अर्थ ही होता है कि तुलना कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ दे रखा है 5 मीटर है, तो 5 मीटर इधर लिख देंगे, तुलना करना है हमें, तुलना किससे करनी है? 10,000 मीटर से, तो 10,000 मीटर लिख देंगे इसे। क्या हम इन दोनों को और छोटा कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों को किसी एक के पहाड़ से काट सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 10, तो हाँ इन दोनों को हम काट सकते हैं। देखिए कैसे काट सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर में 5 और नीचे में लिख लेते हैं 10,000, काट लेते हैं 5 एकम 5, और यहाँ से कट गया 5 दूनी 10, ये 10 कट गया, यहाँ पर 1 2 3 0 बच गया, तो 1 2 3 0 यानी 1/20। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको काट के 1:2000, इसका उत्तर होगा 1:2000, ठीक है। इसी प्रकार इसका सी दे रखा है कि 50 पैसे का 5 रुपये से। तो पहले हम लोग 5 रुपये को चेंज कर लेंगे पैसे में, क्योंकि हमें देखिए तुलना जब भी करना है तो राशियों को बराबर करना है, यानी पैसा दे रखा है इधर तो इधर भी पैसा करना होगा, इधर मीटर दे रखा है तो इधर भी मीटर ही करना होगा। तो यहाँ दे रखा है कि 5 पैसे का 5
रुपए से, पहले इसे हम लोग पैसे में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाँच का पाँच लिख दीजिए, एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो पाँच रुपए में कितने पैसे होंगे, पाँच लिखिए और 200 शून्य लगा दीजिए। अब काट लेते हैं फिर से, पाँच का पहाड़ा में पाँच एकम पाँच, फिर से पाँच एकम पाँच और 200, ठीक है। तो ये कट गया, सॉरी यहाँ पे दे रखा 50 पैसे, तो 50 लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी 50 लिख देंगे, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे और कट जाएगा, 5 एकम 5 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 50 दे रखा था मैंने, 5 पढ़ लिया गलती से, तो 50 पैसे का 5 रुपये से 50 का 50 लिखें, देखिए 5 एकम 5 0 का 0, 5 एकम 5 2 0 का 0, 1 0 से 1 0 और कट गया, यहाँ पे बचा 1:10, तो इसका उत्तर होगा 1:10, ठीक है बच्चा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। सिर्फ दोनों तरफ की राशियों को बराबर करना, यहाँ पे जो राशि दी हुई होगी उतने ही हम लोग इधर भी करेंगे, वही राशि हम लोग इधर भी करेंगे। मान लीजिए इधर दे रखा है कि किलोमीटर, तो हमें इधर किलोमीटर बनाना होगा, या फिर इधर मीटर दे रखा है तो इधर मीटर बना लीजिए, यानी दोनों राशियों को पहले तुलना कीजिए, फिर जो कट रहा है उसे काट लीजिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं, इसके प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, पहला दे रखा है 3:4, देखिए ये अनुपात दे रखा है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, बहुत ही सिंपल, एकदम आराम से समझिए। देखिए यहाँ पे शुरू में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, इसे लिख लेंगे 3, और जो अनुपात के बाद जो संख्या लिखी हुई है उसे बट्टे में लिख देना, अनुपात के बाद कितनी संख्या लिखी है इधर, यहाँ पे कितना है 4, तो इसे अनुपात के यहाँ पे लिख देंगे बट्टे में, 3/4 आ गया। अब इसे हम लोग को प्रतिशत में बदलना है, और जब भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसे हमें 100 से गुना करना होगा, तो इसे हमको 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, क्या 4 का पहाड़ा में 100 कटेगा, 4 का पहाड़ा में हम लोग 100 काट सकते हैं, देखिए हम लोग 4 का पहाड़ा में 100 काट सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे 4 और इधर लिख रहे हैं 100, तो 4 × 2 = 8, 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गया बचा 2, 0 का 0, 4 × 5 = 20, कट गया पूरा, कितनी बारी में कटा, 25 बार में, तो 25 बार में 4 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा, तो यहाँ से काट देंगे 25, ठीक है। अब 25 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 3 = 75, तो यहाँ से क्या आ गया इसका उत्तर, इसका उत्तर आ गया 25%, ठीक है, इसका उत्तर होगा 25%, एकदम आराम से समझिए, पीछे समझा रहा हूँ, जो यहाँ पे दे रखा है 3 उसको लिख लिए, जो अनुपात के बाद है 4 उसको नीचे में लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 4 का पहाड़ा में 100 आता है, 25 बार में 25 लिख देंगे, 25 को 3 से गुना करेंगे तो 75 आ गया। प्रश्न संख्या इसका बी दे रखा है कि 2:3, 2:3, इससे आराम से समझिएगा, एकदम आराम से इसे भी समझाऊंगा, इसी प्रकार करते हैं, पहले क्या करेंगे 2 को 2 लिखेंगे, जो अनुपात के बाद कितना है 3, तो 3 को बट्टे में लिख देंगे, गुना किससे करना है 100 से। अब देखिए क्या 3 और 100 कटेगा, नहीं कटेगा, तो यार नहीं कटेगा तो इसको क्या करिए, गुना कर दीजिए, 2 के गुना करेंगे 100 से तो 200 हो जाएगा, नीचे में 3 है तो 3 लिख दीजिए, 200/3 हो गया। अब इसे हम लोग को करना है मिश्रित भिन्न में परिवर्तन, मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, यहाँ पे देखिए मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, हमें 200 को भाग करना है 3 से, तो यहाँ से लिखेंगे कि 200, हमें 200 को भागा करना है 3 से, तो लिखेंगे 3 का पहाड़ा में 20 आता है, नहीं उससे कम, 3 × 6 = 18, 20 में से 18 गया तो 2, फिर यहाँ से 0 बच गया, तो 3 × 6 = 18, फिर से बचा 2, तो देखिए यहाँ पे कितना आया है 66, तो ऐसे लिखिए 66, शेषफल कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना था 3, तो 66 पहले लिखेंगे यहाँ पे जो भागफल आ रहा है, बट यहाँ पे लिखेंगे शेषफल और यहाँ पे जो होता संख्या, तो 66 सही 2/3, ऐसे होता है मिश्रित भिन्न, आप लोग इन दोनों की गुणा करोगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दोगे, यानी 3 × 66 + 2 करोगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी 200/3, ठीक है, तो इसे लिख लेंगे 66 सही 2/3%, तो हमारा क्या हो गया 66 सही 2/3%,
66 सही, 2/3% इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन दे रखा है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो प्रतिशत होता है वो टोटल कितना होता है, 100 होता है, 100 का होता है, उसमें से दे रखा है कि 72% विद्यार्थी अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल प्रतिशत कितने का होता है, देखिए जो प्रतिशत, प्रति मतलब देखिए प्रति जो होता है, प्रतिशत जो होता है वो कुल कितना होता है, कुल होता है 100 का, ठीक है, प्रति और सत, सत मतलब 100 का होता है, जिसमें से दे रखा है कि विद्यार्थी जो हैं गणित में अच्छे हैं, गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अच्छे हैं, गणित में अच्छे हैं दे रखा है कि 72%, कुल होता है 100% और गणित में अच्छे हैं 72%, यानी 100 में से 72 घटा देंगे तो जो गणित में अच्छे नहीं हैं वो निकल जाएगा, तो इसको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग कि गणित में अच्छे नहीं हैं, जो गणित में अच्छे नहीं यानी उनका प्रदर्शन गणित में अच्छा नहीं है, तो 100% में से 72% घटा दीजिए, कितना आएगा, 28%, और यही हमारा उत्तर होगा। संख्या नहीं पूछा गया, यदि संख्या पूछा गया होता तब हम लोग यहाँ पे दूसरा तरीके से निकालते हैं कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में जीत हासिल की, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है, पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न का कितना है, 4 है, मैच कितने जीते हैं उस टीम ने, तो लिखेंगे जीते गए मैच कुल कितने मैच जीता है उन्होंने, 10 जीता है, और कुल खेले गए मैच ये हमें ज्ञात करना है कि कुल कितने मैच खेले गए, लेकिन हमें दे रखा है जो ये 10 मैच है वो दे रखा है कि 40% के बराबर है। तो यहाँ में देखिए 40% दे रखा है कि 10 मैचों के बराबर है, ठीक है, 40% दे रखा है 10 मैचों के बराबर है, लेकिन हमें क्या याद करना है कि कुल खेले गए मैच कितने हैं, यानी जब 40% बता रहा है जीते गए मैचों को, तो हम लोग इसमें से 100% को निकाल लेंगे पूरा मैच को, यानी इसका पूरा हम लोग 100% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने मैच खेले गए थे। 100% कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना है 10, तो ऊपर में लिखिए 10, यहाँ पे कितना है 40, लिखेंगे नीचे में 40, और गुना कर देंगे 100 से। ऐसा क्यों कर, देखिए 10 40% है 10 के बराबर, ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 का पहाड़ा में 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 का पहाड़ा में 10, 5 × 2 = 10, 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25 कितना हो गया 25, यानी 40% 10 मैचों के बराबर है, तो 100% 25 मैचों के बराबर होगा, ठीक है, यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या पाँच दे रखा है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचते हैं तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। मैंने आपको बताया कि अभी के जो प्रतिशत होता है वो कुल कितना होता है, 100 का होता है, उसमें से वो 75% खर्च कर दे रही है, उसके पास बच कितना रहा है, देखिए कुल प्रतिशत कितने का होता है, कुल प्रतिशत होता है 100 का, ठीक है, उसके द्वारा कितना खर्च किए दिए गए हैं, खर्च किया गया धन कितना उसका 75%, ठीक है, तो उसके पास कितना बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बचा हुआ धन, उसके पास कुल 100% धन था, 75% खर्च कर दी, तो 100 में से 75 घटाओगे तो बचेगा 25,
25% उसके पास धन बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 25% है वो दे रखा है कि 600 रुपये के बराबर है। जो 25% धन है वो दे रखा है कि 600 रुपये के बराबर है, दे रखा है प्रश्न में कि बचा हुआ धन 50 की खर्च करने के बाद जो धन बच जाता है वो 600 रुपये है। तो हमारा यहाँ बच रहा है 25%, और 25% दे रखा है 600 के बराबर है, तो 100% क्या होगा, फिर से करेंगे, यहाँ पे कितना है 600, तो 600 को लिख दीजिए। किसकी तुलना हो रही है 25 से, 25% का हमें कितना बताना है 100% का, 100 से गुना कर देंगे, काट देंगे 25 का पहाड़ा में 100 चार बार में, 6 को 4 से गुना करोगे तो 24 और 2 शून्य लगा दो 2400, यानी उसके पास कुल 2400 रुपए होंगे जिसमें से वह खर्च कर रही है 600 रुपए। ठीक है, तो चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, तो इसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, सॉरी प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। पहले इतना ज्ञात कर लेते हैं, देखिए कुल प्रतिशत कितना का होता है, कुल प्रतिशत होता है 100, ठीक है 100% होता है कुल, जिसमें से दे रखा है कि जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं 60%, ठीक है। नेक्स्ट है फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं 30%, फुटबॉल खेलते हैं 30%, ठीक है। और आगे दे रखा है कि और आगे हमें क्या रखा है कि बताइए कि कुल कितने बच्चे अन्य खेल पसंद करते हैं, कुल होता है 100%, जिसमें से 60% करते हैं क्रिकेट, 7% पसंद करते हैं क्रिकेट और 30% फुटबॉल, तो इन दोनों को जोड़ दो 60 और 30 कितना हो गया 90, तो 100 में से 90 घटाएं कितना बच गया 10, तो अन्य कितने आ जाएंगे, अन्य कितने आ जाएंगे 100 में से, आप लोग 100% में से 60 और 30 घटा दो कितना हो गया 60 और 30 को जोड़ो 90, तो 100 में से 90 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10%, यानी 10% अन्य पसंद करते हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि यदि कुल 50 लाख हैं, यानी जो 100% है, हमें दे रखा है कि 100% जो है वो 50 लाख के बराबर, ठीक है बताइए लाख में कितना शून्य आता है जल्दी से, तो 50 लाख के बराबर है, तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए, तो 100% हमें दे रखा है कि 50 लाख में आता है 1 2 3 4 5 शून्य आता है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं और अन्य खेल को खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट का ज्ञात कर लेते हैं, क्रिकेट क्रिकेट कह रहा है कि कुल बच्चों का यानी कुल व्यक्तियों का 60% है, कुल व्यक्ति कितने हैं 50 लाख, उसका 60% ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कुल संख्या यहाँ पे लिख लीजिए 60 है 60% 60 लिख लेंगे, और हमें प्रतिशत निकालना है तो बट्टे में 100 कर देंगे, अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए, यहाँ पे 2 शून्य है तो यहाँ से 2 शून्य काट दीजिए, ठीक है। अब इसकी गुना कीजिए 6 की गुना कीजिए 5 से, तो 6 पचे कितना हो गया, 6 पचे हो गया 30, 6 पचे 30 हो गया, अब कितना शून्य बच गया देखिए 6 पचे 30 लिख दिए, अब यहाँ पे 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दीजिए, यहाँ पे कितना शून्य 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 30 लाख कितना होगा 30 लाख होंगे जो क्रिकेट को पसंद करते होंगे। इसी प्रकार फुटबॉल का ज्ञात कर लेंगे और इसी प्रकार अन्य को ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं हम लोग क्रिकेट के बाद फुटबॉल कितने दे रखे हैं कुल प्रतिशत का 30%, तो 50 लाख का 30% निकालेंगे 1 2 3 4 5 का 30% बट्टे में 100 आ जाएगा, बट्टे में 100 है यहाँ पे देख लीजिए फिर से, यहाँ पे 30 लिखे और बट्टे में 100 लिख रहे हैं, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 दिया 15 और 1 2 3 4 5 यानी 15 लाख होंगे, कुल कितने होंगे फुटबॉल खेलने वाले 15 लाख, इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे अन्य, तो
तो अन्य कितने आ जाएंगे यहाँ से, अन्य दे रखा है कि 10% है, तो 50 लाख का 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 इसका 10% बट्टे में 100 होगा, 200 से 2 शून्य कट गया, 5 को यहाँ से गुना करोगे तो होगा 5 लाख। जोड़ो कि क्या हमारा जो आ रहा है उत्तर वो 50 लाख के बराबर, यानी इन सभी को जोड़े तो हमें 50 लाख आना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं यहाँ से, देखिए 15 और 5 20, और यहाँ से 30 20 और 30 कितना हो गया 50, तो ठीक है यहाँ से भी उत्तर आ रहा है 50 लाख। तो ये था प्रश्नवली 8.1 का संपूर्ण प्रश्न। किसी प्रकार का डाउट होगा प्रश्नों में तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम लोग प्रश्नवली 8.2 में। नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।